मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है, वहीं सीधी विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, जहां चुनावी चिन्हों के आवंटन के बाद अब सभी प्रत्याशी जनसभाओं में अपने अपने वादों के साथ मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। साथ ही एक दूसरे पर प्रत्याशियों के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया है। सीधी में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी वर्तमान सांसद रीति पाठक ने भाजपा की नीति और रीति तथा कार्यों को गिनाया। हालांकि इस दौरान अपने संसदीय कार्यकाल के कार्यों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। क्या चाहिए हमें दिनचर्या को बिताने के लिए? क्या चाहिए हमें रोज की आवश्यकताओं के लिए? जो चीजें चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो हमको भारतीय जनता पार्टी दे रही। हमें खाने के लिए दो जन की रोटी चाहिए, रहने के लिए पक्का मकान चाहिए, हमारे घर में पानी की व्यवस्था हो, हमारे घर में बिजली की व्यवस्था हो। हम वार्ड में रहते हैं तो रोड नाली वार्ड में हो या गांव में हो, रोड नाली पानी तो चाहिए चाहिए। उसके साथ हमारी रसोई घरों की व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। हम गृहिणियों को यही चाहिए, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैं जानती हूँ कि जब कोई महिला अपना घर चलाती है तो उसके घर का जो सिस्टम है वो किचन से शुरू होता है, रसोई से शुरू होता है। और हमारे सरकार ने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा है कि हमारी रसोई कितनी व्यवस्थित हो। हमारी बहनों को, जैसा अभी अंजू जी ने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, उन्होंने कहा कि भाई ये बात सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में या नगरीय व्यवस्था में आरक्षण दिया, वो आरक्षण 50% से ज़्यादा उस आरक्षण के तहत निकलकर महिलाएं आई, चुनकर आई और उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू किए। बड़ी बात है। आज के समय में यदि जो मैं अभी घर की बात कर रही थी, घर की व्यवस्था से लेकर बाहर तक की व्यवस्था, वो घर से बाहर निकलकर अच्छे से काम कर सकता है, सुख में उन घंटों को महसूस कर सकता है जब वो जानता है कि उसका परिवार सुरक्षित है। घर के अंदर आने पर अपने बहनों के, अपने जो गृहिणी हैं उनके चेहरे की खुशी, बेटियों के चेहरे का वो संतुष्ट भाव कि हाँ वो सुरक्षित है, वो जब इस रोड से निकलेगी तो उसे किसी भी तरह के कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके सरकार की व्यवस्था इस तरह से है, उसके सुशासन की व्यवस्था इस तरह से है जो हर एक परिवार चाहता है। आज हम, मुझे कहने में ये बड़ा अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है कि हम रामराज में हैं, हम सुशासन में हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बहनों से इस दम के साथ बात कर सकती हूँ कि ये जो काल है, ये जो सरकार है, यही सरकार पर्याप्त और उचित सरकार है और यही काल, यही क्षण व्यवस्थित क्षण है। इसके अलावा और कोई सुव्यवस्था नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक दल में, क्योंकि इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह से संविधानात्मक कार्य किया ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम बहनों के लिए सोचे, हम बेटियों के लिए सोचे। लोगों को 60 साल तक का समय मिला है और 60 साल के समय में अगर किसी ने कुछ किया होगा, सिर्फ सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। और कैसे किया होगा कि आप जैसे लोगों का उपयोग वोट के रूप में करने का काम किया है, यही हमारा काम था, इतना ही था। और आप जानते हैं आज जो ये विषय निकल कर आ रहे हैं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक एक बहन का महसूस किया हुआ और समझा हुआ भाषण है, एक एक भाई का, एक एक मुखिया का, जो इस सरकार के प्रति जो थोड़ी भी आस्था रखता होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप आस्था रखना तो किसी भी नकारात्मक विषय के लिए भी रखा जा सकता है, सकारात्मक के लिए भी रखा सकता है, लेकिन आपने निष्पक्ष रूप से समीक्षा करके हमारी सरकार के कामों को देखकर आपने आस्था रखा है, क्योंकि इससे आपका परिवार सुरक्षित है, इससे आपका समाज सुरक्षित है। हर दल, हर वर्ग के लिए निष्पक्ष रूप से इस सरकार के माध्यम से काम किया जा रहा है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे दल में, ऐसे दल से के माध्यम से आकर मुझे काम करने का मौका मिला है जिस दल में बहनों का सम्मान। आज 33% का आरक्षण आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं, 35% का आरक्षण हमारे सरकारी नौकरी में शिवराज जी दे रहे हैं, आज युवाओं के लिए
काम की बात हो तो हर हाथ को काम होना चाहिए। आज बुजुर्गों के लिए उनके सपनों को पूरा करना हो तो शिवराज जी तैयार हैं उनको तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ करवाने के लिए। आज हमारी बेटियों के जन्म के बाद उनके आगे की व्यवस्था की अगर बात हो तो हमारे मुख्यमंत्री तैयार हैं कि बेटी जन्म ले, 100 ढूढ़ी लड्डू से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके शादी करवाने की व्यवस्था हम करें। आज यदि हमारी बहनों को लाडली बनाने का काम हो तो माँ बाप के घर के बाद ये एक पहला और ऐतिहासिक विषय है कि किसी के भाई ने उसको लाडो कहा, किसी के भाई ने उसको लाडली की उपाधि दी हो और उसको कहा हो कि चिंता मत करना, तुम्हारा शिवराज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि अभी ये इतना रखो राखी बधाई, जैसे जैसे मेरी चीजें ठीक होंगी वैसे वैसे मैं तुम्हें मजबूत करूँ।